मनीष जायसवाल के 9 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अपना कैमरा को हजारीबाग में कहीं भी ले जा करके पूछिए कि 2014 के पहले का हजारीबाग और आज 2024 का हजारीबाग में अगर फर्क है कि नहीं है। जेपी पटेल मतलब कांग्रेस में जाते ही शुरू कर दिए हैं कि सिलेंडर का रेट क्या था, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, वो इलेक्शन बॉन्ड पे सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो बेहतरीन काम की है इसलिए हम लोगों को वोट मिलना चाहिए। पूरा देश इस समय मोदी मोदी कर रहा है, पूरा देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। वैसे में कोई दिक्कत पेश करेगा, कोई भी चेहरा दिक्कत पेश करेगा, ये मानना मुश्किल है। लेकिन कई विधायक लाइन में हैं लोकसभा का टिकट लेने के लिए, मौका आपको मिला, इसके पीछे कोई खास वजह? पटता आपका किससे है ज़्यादा, मोदी जी से, अमित शाह जी से? कि मेरे पीछे मोदी जी का समर्थन है और मोदी जी ने इस देश को ही नहीं, देश में रहने वाले एक एक परिवार को लाभित करने का, उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया है। तो एक तरफ देश बढ़ रहा है, दूसरे तरफ देशवासी बढ़ रहे हैं। 2047 में विकसित भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो पूरा होगा और इस सपने को पूरा करने के लिए हजारीबाग का एक एक मतदाता इस बार कमल फूल को वोट देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। हजारीबाग से उम्मीदवार मनीष जायसवाल के घर हम आए हैं। क्या रूटीन में परिवर्तन आ गया टिकट मिलने के साथ ही? हालांकि इनका जो सबसे क्लोज फ्रेंड था वो जेपी पटेल, वो बेचारे कांग्रेस का दामन थाम लिए। दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई थी कि टिकट किसको भाजपा देती है लोकसभा का। इनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया तो जेपी पटेल ने हाथ का साथ दे दिया। इनकी लड़ाई संभवतः जेपी पटेल से ही होगी, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। हम मनीष जायसवाल जी के घर ले चल रहे हैं। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर ही वोट मांग रहे हैं, चलिए हमारा साथ। मनीष जी हैं, इस बार तो चुनाव हो रहा है, पहली बार इन पे पार्टी ने भरोसा जताया है बतौर कि सांसद बनकर आएंगे। 400 का जो नारा है उसमें एक योगदान इनका भी रहेगा। मनीष जी, राह आसान है, हजारीबाग है इसलिए, या आपको लगता है थोड़ा टफ है? देखिए, वर्तमान में जो माहौल है देश का पूरे, और जो हजारीबाग तो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा है, और इस बार मोदी जी के प्रति लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बीजेपी का रास्ता यहाँ से सुगम है, सरल है। लेकिन फिर भी चुनाव है, उसको हम लोग चुनाव के तरीके से ही लेंगे और ले भी रहे हैं और अपना पूरा प्रयास करेंगे। आपके मित्र जेपी पटेल, आप ही दोनों का नाम गया था, आपको पे पार्टी भरोसा जताया, उनको स्टे किया, वो तो चले गए हाथ के साथ, दिक्कत नहीं करेंगे? देखिए, हमको अपने बारे में बोलने का अधिकार है, उन्होंने अपने बारे में अच्छा सोचा होगा और इसीलिए ये काम किया होगा उन्होंने। उनको उनके आने वाले भविष्य के लिए हम शुभकामना देते हैं, मित्र हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन दिक्कत जो शब्द आपने प्रयोग किया, तो पूरा देश इस समय मोदी मोदी कर रहा है, पूरा देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। वैसे में कोई दिक्कत पेश करेगा, कोई भी चेहरा दिक्कत पेश करेगा, ये मानना मुश्किल है। जेपी पटेल मतलब कांग्रेस में जाते ही शुरू कर दिए हैं कि सिलेंडर का रेट क्या था, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, वो इलेक्शन बॉन्ड पे सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो बेहतरीन काम की है इसलिए हम लोगों को वोट मिलना चाहिए। अब आपकी बात पे हंसी ही आएगा, सिलेंडर का प्राइसेस, सिलेंडर का अवेलेबिलिटी, कांग्रेस के शासन में आपको याद होगा कि एक गैस का कनेक्शन और टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए किसी सांसद और विधायक से अनुशंसा कराना पड़ता था, वो भी उस पर भी कोटा था कि एक सांसद 5 ही कर सकता है। आज के दिन में क्या बदला 10 साल में ऐसा कि एकदम फ्रीडम के साथ गैस सिलेंडर उपलब्ध है, फ्रीडम के साथ टेलीफोन का कनेक्शन उपलब्ध है, कोई लाइन नहीं है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है।
और अगर आप वैश्विक रूप में देखें तो पूरे वैश्विक प्राइसेस में भारत सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। लेकिन वो कह रहे 400 रुपए में बीजेपी माथे पे सिलेंडर लेके चौक चौराहा पे धरना प्रदर्शन में बैठ जाती थी। 1100-1200 रुपए है सिलेंडर का रेट, बीजेपी मौन है। देखिए इंडेक्सिंग जो है ना, प्राइस का इंडेक्स और जो इन्फ्लेशन का दर है उसका साल दर साल इम्पैक्ट होता है, और केवल कांग्रेस के कह देने से महंगाई चालू नहीं हो जाती है। जनता अच्छे से जानती है कि मोदी जी के शासन में प्राइसेस पर, इन्फ्लेशन पर बड़ा कंट्रोल है। अब बात रहा उनके, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि झारखंड में उनकी सरकार है तो झारखंड में उनके मुख्यमंत्री क्यों जेल में हैं? बालू का क्या हो रहा है यहाँ पे, कोयला का क्या हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन के रह गया है, उनको पता है कि नहीं? तो जेएमएम तो कह रही है और कांग्रेस की, जो आपके खिलाफ खड़ा है आप उसको जेल भेज देते हैं। बोले 56 इंच का नेता का 3 ही शस्त्र है, ITED और CBI। बोले जो क्या विरोधी के चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इनके खिलाफ या जुबान पे मोदी जी का नाम ले लिया उसका पता जेल हो गया। बोले ऐसे झुकेंगे नहीं। देखिए सबसे जो इस पहलू में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि चलिए आपका आरोप 5 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा 5 मिनट के लिए अगर हम लोग मान भी लिया जाए तो जुडिशियरी क्या कर रही है? क्यों नहीं इनको राहत मिल गया? आज सत्येंद्र जैन जी 2 साल से ऊपर से जेल में है, क्यों नहीं राहत मिला? पंकज मिश्रा यहाँ पर जेल में है, कोर्ट से उनको राहत क्यों नहीं मिल रहा है? हेमंत सोरेन जी जेल में है, उनको क्यों नहीं राहत मिल रहा है? तो अगर दुरुपयोग कर रही, 500-500 पन्ने का चैट आ रहा है कि इसको यहाँ पोस्टिंग कर दो तो इतना पैसा मिलेगा, 3 CR हम लोग चैट जो पढ़ पा रहे हैं कि इसका यहाँ पोस्टिंग कर दो, वहाँ वहाँ पोस्टिंग कर दो तो ये मिलेगा। तो सरकार, ये मोदी सरकार है, इसका नारा है ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिसने खाया है उसके हलक में हाथ डाल के निकालेंगे भी। तो ये देश की जनता भी जान रही है, देश की जनता देख भी रही है, और अभी आपने देखा भी कि 3 राज्यों के चुनाव में क्या हुआ। कांग्रेस कह रही है आप जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा अपनी हार देखकर आप जय श्री राम का नारा बुलंद कर देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे हजारीबाग में। बोले इसके अलावा मनीष जी और किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं। देखिए जय श्री राम का नारा तो जब पैदा हुए थे तब भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, आगे भी और बुलंदी से लेंगे, क्योंकि वो तो मेरा आस्था का सवाल है। और बाकी अगर मनीष जायसवाल के 9 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अपना कैमरा को हजारीबाग में कहीं भी ले जा करके पूछिए कि 2014 के पहले का हजारीबाग और आज 2024 का हजारीबाग में अगर फ़र्क है कि नहीं है, और अगर ये फ़र्क है तो इसमें मनीष जायसवाल का योगदान भी है। बाकी राम नाम तो जपना हमारा काम है, जपते ही रहेंगे, उसमें कोई चूक नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि पटेल जी आपके मित्र, उनका कोई पावर हो? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारी जाति का बहुत वोट है, एक वो दावा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि जैसे मनीष जी विधायक हैं एक क्षेत्र से, हम भी एक क्षेत्र से विधायक हैं, और बोले बाकी सारे अकलियत से लेके बहुत समाज है हमारे पास, इसलिए बोल रहे इस बार दिक्कत नहीं होगी। देखिए उनके बारे में हमको कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन आपका जो एक प्रश्न था जाति के बारे में, तो अभी वर्तमान समय में हिंदुस्तान में जातिवाद पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। मेजॉरिटी समाज जो है, हिंदू समाज, अभी सनातन समाज जो है, एक होकर के अपने चैलेंजेस को देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम OBC से हैं, सीना ठोक के कहते हैं, आपको याद नहीं है बिहार का वो रैली? आप कह रहे जातिवाद नहीं है। OBC एक वर्ग है, ये जाति नहीं है। मैं आपको स्मरण कराऊं, आपने जात का बात किया, OBC एक वर्ग है, और वर्ग विशेष को जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसको लाने, ऊपर लाने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने 4 कैटेगरी में लोगों को बांटा है, युवा, किसान, महिला और गरीब, ये 4 वर्ग को ऊपर उठाने की हम लोग बात करते हैं। और इस बार आप देखिएगा, इस बार के चुनाव में आप देख लीजिएगा
कि जातिवाद पुनः पीछे रहेगा, विकास का एजेंडा और हिंदुत्व का एजेंडा, यही दो एजेंडे पे चुनाव होगा। पूरा साथ मिल रहा है, आपने उनका वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग साथ मिलकर के एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन कई विधायक लाइन में हैं लोकसभा का टिकट लेने के लिए, मौका आपको मिला, इसके पीछे कोई खास वजह? पटता आपका किससे है ज़्यादा, मोदी जी से, अमित शाह जी से? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि यहाँ का जो राजनीति है वो मैंने एक राजनेता के हैसियत से किया नहीं, मेरा राजनीति का टोटल एजेंडा सेवा पर बेस था। हमने लोगों को, अपनी बहनों को शादी में मदद किया, त्यौहार में लोगों को मदद किया, बहुत सारे धार्मिक स्थलों के अपग्रेडेशन में हम लोगों ने मदद किया, श्राद्ध में हम लोग मदद करते हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, कल्चर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये जिस सेवा भाव से हम लोगों ने अपने 9 साल को बिताया, पार्टी ने कहीं ना कहीं से रिकॉग्नाइज किया होगा। पार्टी का जो सूत्र है, पार्टी के जो संपर्क हैं, वो बहुत बड़ा है, और यही देख करके ही मुझे ये अवसर मिला। यहाँ पे आपको क्या लगता है, हजारीबाग का कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है कि आप सांसद बन जाएंगे तो उसको संसद भवन में उठाएंगे और उसको पूरा कराएंगे? देखिए, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है, चौपारण का अलग मुद्दा है, बरलंगा का अलग है, रामगढ़ का अलग है, केरेडारी का अलग है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा विस्थापन का है, जो कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा को प्रभावित करता है, बड़कागांव को, मांडू को और रामगढ़ को, ये प्रभावित करता है, कुछ ना कुछ हजारीबाग को भी प्रभावित करता है। एक विस्थापन बड़ा मुद्दा है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। पैसेंजर ट्रेनें, जो पब्लिक रेल है, उसमें हजारीबाग लोकसभा बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे बरही को देखें, हजारीबाग को देखें, बड़का काना को देखें, हिंदेगिर को देखें, पतरातू को देखें, तो यहाँ पैसेंजर ट्रेनें काफ़ी कम चलती हैं और अच्छी ट्रेनें अच्छे डेस्टिनेशंस के लिए नहीं हैं। उस पर एक काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इलाकों में अभी रेल ओवरब्रिज का समस्या, जैसे चैनपुर बड़गांव में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर यह समस्या है, पतरातू मेन रोड पर यह समस्या है, वहाँ पर घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है इसके लिए, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। चौपारण में अगर आप देखेंगे तो एक फ्लाईओवर का निर्माण पिछले 8 सालों से हो रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा से हो रहा है, और उसके चलते वहाँ रहने वाले तमाम लोगों को धूल धुआँ से रूबरू होना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग चैलेंज है, और हम लोग सबकी बातें करेंगे, संपूर्ण विकास की बात करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, लोग आपको क्यों वोट करें और पटेल जी को क्यों वोट ना करें? देखिए, हम तो केवल अपनी बात करेंगे कि हमको इसलिए वोट करें कि मेरे पीछे मोदी जी का समर्थन है, और मोदी जी ने इस देश को ही नहीं, देश में रहने वाले एक एक परिवार को लाभित करने का, उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया है। तो एक तरफ देश बढ़ रहा है, दूसरे तरफ देशवासी बढ़ रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे ही देश हमारा 2047 में विकसित भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो पूरा होगा, और इस सपने को पूरा करने के लिए हजारीबाग का एक एक मतदाता इस बार कमल फूल को वोट देगा। टाउन में वोटिंग तो कम होता है, बहुत कम, आप डिफरेंसेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गर्मी भी अब प्रचंड पर है। देखिए, ये कोई नया फैक्टर नहीं है, गर्मी पिछले साल भी था, पिछले साल भी इसी समय चुनाव हुए थे, हजारीबाग में 7 मई का डेट था, इस बार 20 मई का डेट है, दोनों डेट्स में हार्डली 1-8 डिग्री टेम्परेचर का अंतर रहेगा। टाउन में पहले भी कम पोलिंग रहा है, लेकिन लास्ट टाइम 65% का रेशियो हम लोगों ने अटेन किया था, इस बार मुझे पूरा उम्मीद है कि 70% के आसपास में 72% पोलिंग होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं मोदी जी का साथ है मेरे पीछे, इस वजह से जनता को वोट देना चाहिए, क्योंकि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और उसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों पर ज़्यादा हमलावर नहीं है, हो सकता है दोस्त हैं इस वजह से भी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, क्या ये जुबान बदल जाएगा नेताओं का, हमले तीखे होने लगेंगे, या फिर ऐसे ही सामान्य गति से सब कुछ चलता रहेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.